हाँ अभी तक फंसे हुए हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको सुननी चाहिए, और वो ये है कि हमारी कौम के बारे में किसी ने गूगल पे लिखा तो मैं वहाँ से लेके आया कि इस कौम को अपने हाल पे नहीं रोना चाहिए। का पूछा क्यों नहीं रोना चाहिए, का इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में तुम्हारी कौम ने 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी है। 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी है। लेकिन वो एक बात और बहुत अच्छी बोलते हैं जो आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं एक बात याद रखना और आगे की एक लाइन और सुनना है, यू आर अ कॉम हु ईट्स 2 टन्स ऑफ बिरयानी एंड ओनली बाइज 2 बुक्स। और आखिरी लाइन चुभने वाली है, एंड दैट टू दोज बुक्स आर ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट्स। तुमने गलत सब्जेक्ट की वो किताबें खरीदी है। उसके बाद वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम गरीब कौम हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है मुसलमानों में से अक्सरियत की आमदनी एक दिन की $2 से कम है। कितनी कम है? $2 से कम है। तो हम किस चीज़ पे खर्चा करें ये तो तय ही नहीं हो सकता। $2 यार, 160 रुपये मुश्किल से। अब 160 रुपये में क्या किताब खरीदे और क्या बिरयानी खरीदे। ज्यूस के लिए उन्होंने कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर NGOs, हर मस्जिद वन मूवमेंट, उसमें गोल्स लिखे होना चाहिए। वजू खाने के पास 15 साल में एक बच्चे को कहाँ पहुँचना चाहिए, 20 साल में हमारे क्या गोल्स होना चाहिए, 25 साल में हमें कहाँ पहुँचना चाहिए। और उस कौम को लानत की नज़र से दुनिया देखती है जिस कौम के बच्चे 40 होते होते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। हमें अपने बच्चों को ऐसी फिलॉसफी पढ़ानी होगी, फाइनेंशियल फिलॉसफी, स्टार्टिंग 15 ईयर्स, 15 साल से नया सिलेबस लाना होगा, ताकि 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते वो फाइनेंशियली क्या हो जाए, बताइए, फाइनेंशियली क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। और वाह रे मेरे रब, मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दिया हुआ इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी कौमें जब पढ़ लिख लेती हैं तो वो अपने मजहब से दूर हो जाती है। ये हमारा ही इस्लाम पता नहीं किस चीज से बना है। हम जितना पढ़ लिख लेते हैं उतना अपने इस्लाम से मोहब्बत करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, जो लोग इस समय जेल में हैं, जिनके ब्याल बच्चे एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं, जिसको हम भुलाए बैठे हैं, जिन्होंने हमारे सर पर से CA NRC हटा दिया, वो लोग दुनिया में बहुत ऊंचा ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं। वो लोग अल्लाह के लिए और उसके कलमे के लिए अपने बच्चों के घर लुटाकर जेलों में बंद हैं। चलना मेरे साथ जरा तिहाड़ जेल, एक दाढ़ी वाला अगर अंदर हो तो मुझे बता देना। क्यों? जब साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन तकाजों से अल्लाह की कुदरत को कोई मुसलमान देखता है तो वो अपने रब से प्यार किए बिना नहीं रह पाता, वो अपने रब के करीब आए बिना नहीं रह पाता। इसलिए मस्जिद वन मूवमेंट के तहत एज एन IAS कोच मैं आखिरी बात बोलता हूं, हमारे हर बच्चे को IAS करना कंपलसरी होना चाहिए। पूछा यार IAS कैसे करें, क्यों करें, काहे के लिए करें, तो मैं बताता हूं क्यों करें। क्योंकि IAS का जो सिलेबस है ना, उसमें हिस्ट्री है। जो कौमें अपनी तवारीख को भुला देती हैं, तवारीख उन कौमों को भुला देती है। उसमें ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी जो सूरे अल रहमान की तफसीर है। तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, वो है। उसमें पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। दुनिया को पहला कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले हम हैं। आज हमें अपने संवैधानिक राइट्स नहीं मालूम है, और उसमें दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुसलमानों कान खोलो जो मैं बता रहा हूं। मुझे बहुत लेट समझ में आया, अगर एक जिंदगी और मिलती, वैसे नहीं मिलती है और अल्लाह करे ना मिले,
अपने पास बुलाए हो, लेकिन एक जिंदगी और मिलती तो मैं उसे इकोनॉमिक्स पढ़ने में खर्चा करता, क्योंकि मुझे बहुत लेट समझ में आया कि इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस पॉलिटिक्स। ये जो सारा पॉलिटिक्स है वो किसका खेल है? वो किसका खेल है? इकोनॉमिक्स का। और इन पैटर्न्स को इस जमाने में देखना उसे करंट अफेयर्स कहते हैं।